न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यह सोच रहे थे कि बिहार में कोरोना वायरस को जो है वो फैलाया जाए। इसी की फिराक में आज SSB ने एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, और उसमें साफ कहा था कि कुल 40 से 50 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो बिहार में आकर कोरोना वायरस को फैलाना चाहते हैं, कोरोना वायरस बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद गृह सचिव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए इस पूरे बयान में। उस पत्र में ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई है। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, SSB को भी कहा है चौकसी रखें, और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। साजिश की भी जांच की जाएगी, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई जाली मुखिया का नाम, मुखिया का नाम है उसमें जाली, हर एक चीज़ की जांच होगी, अनुसंधान होगा जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। सर, मरकज वाले मामले में इसकी जानकारी आप पुलिस प्रवक्ता से ले सकते हैं। धन्यवाद। कार्रवाई हुई है, संख्या और आंकड़े पुलिस प्रवक्ता से ले सकते हैं। थैंक यू सर। उस पत्र में ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई है। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, SSB को भी कहा है चौकसी रखें, और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। साजिश की भी जांच की जाएगी, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई जाली मुखिया का नाम, मुखिया का नाम है उसमें जाली, हर एक चीज़ की जांच होगी, अनुसंधान होगा जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। सर, मरकज वाले मामले में इसकी जानकारी आप पुलिस प्रवक्ता से ले सकते हैं। धन्यवाद। कार्रवाई हुई है, संख्या और आंकड़े पुलिस प्रवक्ता से ले सकते हैं। थैंक यू सर।